चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज श्री भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज सब वैष्णव वैष्णवियों के चरण में यथा योग्य हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग श्री क्षेत्रमंडल परिक्रमा करते करते अभी हम जहाँ पर पहुँचे हैं ये स्थान है ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जन्म स्थान है। यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की ये निवास था। भक्ति विनोद ठाकुर उनकी पत्नी श्री भगवती देवी इनका ये स्थान था। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इनका एक नाम है भक्ति जगत का इनको भगीरथ बताया। जैसे भगीरथ ने गंगा को इसी जगत में लाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया तभी उन्होंने इसी जगत में गंगा का प्रवाह को इस जगत में लाए थे कहते उसी तरह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आने से पहले जगत में बहुत सारे अपसंप्रदाय छा गया था जो भक्ति का नाम पर उत्पात थे। बोलते थे हम कौन हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं लेकिन सिगरेट फूंकते थे शराब पीते थे गंजा पीते थे हैं अवैध रूप में स्त्री संग करते थे बाबा जी माता जी दल थे पहने हुए थे कपड़ा लाल कपड़ा लेकिन बाबा जी माता जी हैं जितने सारे गंध्या काम करते थे और तिलक लगाया करते थे गले में कंठी पहनते थे बोलते थे हम कौन हैं बोले हम तो महाप्रभु धारा से। इसलिए ये चीज को सुन करके जो साधारण लोग थे वो नाक सिकुड़ाया करते थे बोले महाप्रभु का भक्त ऐसे ही होते हैं इतने गंदे होते हैं मतलब बहुत घृणा करते थे। लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने आकर के फिर बड़े कष्ट से जितने सब उल्टा पुल्टा अपसंप्रदाय आउल बाउल नेड़ा नेड़ी मतलब जितने सारे गंदे गंदे संप्रदाय को उन्होंने उसको खंडन करके उन्होंने शुद्ध भक्ति धारा महाप्रभु का जो विमल प्रेम जो शुद्ध प्रेम धारा को जगत में उन्होंने लाए और बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे जैव धर्म उन्होंने लिखे हैं इसलिए उन्होंने महाप्रभु का शिक्षा को लिखे बहुत सारे ग्रंथ का उन्होंने टीका को उन्होंने लिखे बहुत सारे ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर लिख करके अभी सोच रहे हैं मेरे बाद में फिर ये सारे ग्रंथों को जगत में कौन प्रचार और प्रसार करेगा बड़े सोच रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय पुरी के वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे भक्त विनोद ठाकुर वो साधारण नहीं थे। फिर उन्होंने श्री जगन्नाथ जी का शक्ति श्री जो विमला देवी उनसे प्रार्थना की बोले आप ही कृपा करके हमें ऐसे एक संतान दो मेरे बाद में महाप्रभु का जो शुद्ध भक्ति धारा को जो कंटिन्यू आगे चला सके। जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनकी कृपा से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक संतान जन्म हुआ जिनका नाम हुआ श्री
विमला प्रसाद, इसलिए उनका नाम उन्होंने दिया विमला प्रसाद नाम दिया, क्योंकि इनकी कृपा से ही ये बच्चा जन्म हुआ है। लेकिन जब ये बच्चे जन्म हुए यहीं पर ही प्रभुपाद जन्म लिए, इसलिए हमारे श्री पद्म पुराण में बताया चत्वारास्ते कलौ भाव्यात उत्कले पुरुषोत्तमात्। इसका मतलब है ये जितने सारे शुद्ध वैष्णव लोग, जो चार ही संप्रदाय के जो शुद्ध वैष्णव लोग, ये सबके सब कहाँ जन्म लेंगे? बोले उत्कले पुरुषोत्तमात्। उत्कल मतलब उत्कल देश में, पुरुषोत्तम मतलब श्री जगन्नाथ क्षेत्र है। यहीं से ही यही जितने सारे बड़े बड़े रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क श्री, और हमारे संप्रदाय में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, और जो बड़े बड़े साधु लोग हैं, कहाँ जन्म होंगे? बोले श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही इनका प्रादुर्भाव होगा। इसलिए पहले ही भविष्य पुराण में लिखी हुई चीज है। इसलिए उसी वाक्य के अनुरूप प्रभुपाद यही पर जन्म ग्रहण किए, और जब जन्म ग्रहण किए उसी समय प्रभुपाद का शरीर में ये जो तिलक हम लगाते हैं ना, द्वादश अंग में जो तिलक धारण करते हैं, उनके शरीर में सारे तिलक का चिन्ह था। जो जनेऊ धारण करते हैं, ये जनेऊ का चिन्ह था प्रभुपाद का शरीर में। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को देख कर तो प्रेम में गदगद हो गई भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए कुछ दिन बाद में जब जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई, रथ इधर से ही निकलती है, इसी रोड बड़दान में निकलती है, इसलिए स्वयं जगन्नाथ जी अपना भक्त के लिए उन्होंने यहीं पर उन्होंने रुक गए। कहते 3 दिन तक रथ रुके, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े घोड़े को देख करके कोशिश किया रथ खींचने के लिए, लेकिन रथ यहाँ से किसी तरह से टस से मस रथ कभी नहीं हुई है। जब नहीं हुई, जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद छोटे बच्चे थे, जब इनको लेकर के रथ के ऊपर में गए और जगन्नाथ जी के चरण में उनको प्रणाम कराया, प्रणाम कराते ही जगन्नाथ जी के गले में जो माला, जिसका नाम कहते अधर माला, ये माला अपने आप टूट करके प्रभुपाद के ऊपर में गिरा। बोले चलो प्रभुपाद की। जब इनके ऊपर में ये माला गिरी, जितने पंडित लोग थे ना, वो बोले भैया ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होगा है, नहीं तो जगन्नाथ जी की गले की माला टूट करके नहीं गिरता है। इसलिए जब उन्होंने प्रभुपाद को लेकर के आए, कि धीरे 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 जब प्रभुपाद धीरे धीरे बड़े हुए, एक होता है रुचि परीक्षा। रुचि परीक्षा मतलब होता है जब बच्चा अपना गुठन पर चलना शुरू करता है, उसको सामने तरह तरह का वस्तु को रख दिया जाता है और वो बच्चे को छोड़ देते हैं। वो बच्चा जा करके जिस चीज को पकड़ेगा, वो उसी से ही पता चलता है ये बच्चा का भविष्य क्या बनेगा। जब प्रभुपाद की रुचि परीक्षा हुई, प्रभुपाद धीरे 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 गुठन पर चलते चलते उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने आलिंगन किया। इसको देख करके भक्ति विनोद ठाकुर इतना प्रसन्न हो गए। बोले ये बच्चा बड़ा होकर के जगत में ये भागवत धर्म को जगत में प्रचार करेगा है। और जो भागवत ग्रंथ है उसको बताया, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायति भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिवृणित। ये भागवत ग्रंथ जितने सारे वेद पुराण उपनिषद का जो निचोड़ है, कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कहते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिगोचित। अगर कोई भागवत ग्रंथों को एक बार पढ़ ले, सुन लेना, फिर उसको और किसी ग्रंथ में उसको रुचि नहीं रह जाती, सारे ग्रंथ पढ़ना उसका हो जाता है। और भागवत क्या है? ये निगम कल्प तरुर गलितम फलम। कहते ये वेद का ये पका हुआ फल है, हैं? ये पका हुआ फल जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली नहीं, जिसमें रसी रस है ये भागवत में, और कुछ है ही नहीं, केवल रस है। जिधर खाओ, जैसे रसगुल्ला है ना, हैं? रसगुल्ला जैसे हैं, ऐसे ही जिधर खाओ जैसे मिठाई मिठाई, ये भागवत ऐसे मिठाई मिठाई भागवत है। इसलिए प्रभुपाद धीरे 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 प्रभुपाद बड़े हुए, जिस समय उनकी घर का भित्ति खनन की गई, भगवान कुर्मदेव का विग्रह वहां से निकला।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री प्रभुपाद को उन्होंने ये कुर्म देवता की उन्होंने मंत्र दे करके बोले तुम इनको नित्य नियम पूजा करो, और तुम जब छोटे बच्चे थे द्वादश अंग में कैसे तिलक लगाना है, कैसे आचमन करना और कैसे तिलों को स्थापना करना, कैसे ठाकुर जी को कौन सा मंत्र से ठाकुर जी को सेवा पूजा करना, इसलिए प्रभुपाद ने सब प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को सारी ये चीज को दे करके बोले तुम ये सारी चीज को ठाकुर को तुम सेवा पूजा करना। इसलिए यहाँ पर हमारे जो प्रभुपाद का जो शिष्य लोग है ना उसी विषय पर बड़ी रहस्य रहस्य बात बताते हैं। प्रभुपाद का एक शिष्य हुए भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, प्रभुपाद के साथ ये पहला सन्यासी है, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोले प्रभुपाद पुरी में क्यों जन्म हुए, प्रभुपाद कौन है, इसलिए श्री भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज उनका जो स्तुति है ना कहते वृष भानो सुता दई तानो चरम चरणा श्री तरेणो दरस्त महाम महदद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। कहते प्रभुपाद कौन है, कहते श्री राधा रानी की अत्यंत अत्यंत प्रिय एक सखी है, कहते राधा जी की नयन मणि मंजरी श्री प्रभुपाद हैं। कहते पुरी में क्यों जन्म हुए, बल्कि ये विप्रलंब स्थान है, ये विप्रलंब स्थान है, इसलिए यहीं पर महाप्रभु गंभीरा में 18 साल तक रह करके जो इच्छा को गोलोक वृंदावन में पूरी नहीं कर पाए वो इच्छा प्रभु, इसलिए महाप्रभु यहीं पर पुरी में ही किया, गंभीराम यही महाप्रभु ने किया है, इसलिए जो पुरी धाम ये विप्रलंब स्थान श्री पुरी धाम है, हैं पुरी धाम है। इसलिए प्रभुपाद जब धीरे धीरे बड़े हुए उनने सारे शास्त्र को सारे ग्रंथ को उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन प्रभुपाद जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे जितना समय केवल स्कूल में पढ़े केवल उतना समय घर में आकर कोई ग्रंथ नहीं देखते थे, कोई पुस्तक नहीं देखते थे, घर में आकर के सारे पुराण भागवत गीता ये सब ग्रंथ देखते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ जहाँ जाते थे हैं, जहाँ जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर भागवत ग्रंथ कथा करने जाते थे प्रभुपाद भागवत ग्रंथों का अपना सर पर रख करके हैं वो ग्रंथों का अपना सर पर रख करके प्रभुपाद ले जाते थे, और वहीं पर बैठ करके भक्ति विनोद ठाकुर जो भागवत कथा करते थे बैठ करके ये श्रवण करते थे। जब प्रभुपाद धीरे 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 बड़े हुए, जब इनकी लिखाई पढ़ाई खत्म हो गई, अभी भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे हैं इसकी कोई एक नौकरी देनी चाहिए प्रभुपाद को, कोई काम धाम तो करनी चाहिए, इसलिए कहते श्री आसाम में ना कहते श्री त्रिपुरा में कहते त्रिपुरा में जो राजा का एक बेटा था है? राजा का जो एक बेटा था अभी उन्होंने वहां पर राजा के बेटे को ट्यूशन में लगा दिया। प्रभुपाद बच्चे को तो पढ़ाया करते थे लेकिन उसको साथ साथ में भी उसको भगवान की कथा भी सुनाया करते थे। बोले देख बेटा ये जो जीवन हमें मिला है ये सहज में ये जीवन नहीं मिलता है, है? ये जीवन 84 लाख जन्म के बाद में भगवान एक बार ये मानव शरीर देते हैं, खाना पीना सोना बच्चों को जन्म देना ये तो जानवर भी करते हैं, गधे सुकर को कौन है इस जानवर नहीं जो खाता पीता सोता नहीं, लेकिन अगर इसी जीवन को तुमने ऐसे ही जीवन बिता दिया तो जीवन का किसी काम का नहीं, इसलिए जीवन पाकर क्या करनी चाहिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जीवन पाकर तो भजन करनी चाहिए। वो जो राजा का बेटा थे ना अभी तिलक लगाना शुरू कर दिया, गला में कंठी बैठना शुरू कर दिया और माला जपना शुरू कर दिया, अभी जो रानी थी उन्होंने देखा पता नहीं ये बच्चा क्या मेरे बेटे को पढ़ाता है, भविष्य में जो राज सिंहासन को संभालने वाले ये तो तिलक कंठी माला लगाना शुरू कर दिया और हमसे प्रेम से बात नहीं करता है जब समय मिले, क्योंकि उनको पता चला ना कितना साधु संग सर्वशास्त्र कह लभ मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है,
इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना हुई राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। उन्होंने देखा धीरे धीरे बाबा जी बनने जा रहा है, बाबा जी बनने जा रहा है। इतने में रानी राजा को बोले, ये जो बिमला प्रसाद आप बच्चों को पढ़ाने के लिए दिए हो, ये धीरे धीरे तो लगता है बाबा जी बन जाएगा, पर भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा, इसलिए आप इसको जल्दी जल्दी इसको छुड़ाओ यहाँ से, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजा बोले देखो बेटा, प्रभुपाद को बोले तू हर महीना जितना पैसा देता था ना वो पैसा दूंगा, पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को और पढ़ाने का जरूरत नहीं। प्रभुपाद ने कहा देखो मैं जिस वजह से यहाँ आया था मेरा कर्म खत्म हो गया है। प्रभुपाद क्यों गए थे, कहते उनका बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी था, वो लाइब्रेरी में जितने सारे वेद पुराण उपनिषद जितने सारे ग्रंथ वो लाइब्रेरी में था, इसलिए प्रभुपाद सोच रहे थे सारे ग्रंथ को मैं पढ़ लूँ। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरा काम हो गया है, इसलिए और हमें कोई जरूरत नहीं, आपके पैसा की जरूरत नहीं, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद इतने विद्वान थे, एक समय ज्योतिष विभाग का जो प्रिंसिपल था उनको साथ में इनके भय से हो गया। प्रभुपाद बहुत बड़े ज्योतिष थे, कहते अयनास, एक शब्द अयनास मतलब होता है जब ये जो सूरज जब अपना है जब आप दिशा को जब बदलता है उसी विषय को लेकर के ऐसे चर्चा हुई। जो प्रिंसिपल था वो बैठा हुआ था चेयर में, प्रभुपाद ऐसे विचार दिए जिसको सुन सुन करके उनका सारे आर्गुमेंट को प्रभुपाद खंडन कर दिए, और वो इतने नर्वस हो गया वो चेयर में बैठे बैठ कर पायखाना पेशाब कर दिया। प्रभुपाद में इतने विद्वान थे, इनकी विद्वता को देख करके उस समय तथा कथित जितने बड़े बड़े सबके सब बड़े बड़े विद्वान थे बोले आप ही ये ज्योतिष विभाग का जो प्रिंसिपल का पद को आप ही स्वीकार करो। प्रभुपाद ने कहा देखो मैंने इसी जगत में ईंट पत्थर और तारा और रेतियों को गिनने के लिए नहीं आया, मैं तो महाप्रभु का एक पियन हूँ, मैं तो गोलोक वृंदावन से महाप्रभु का जो विचारधारा को भक्ति को मैंने जगत में लेकर आया हूँ, शुद्ध मंदाकिनी धारा को, मैं ये ईंट पत्थर गिनने के लिए नहीं आया हूँ। उसी समय प्रभुपाद को बोले देखो आप इसी जगत में जब तक इसी जगत में रहोगे ये जो कुर्सी है ना ये आपके लिए खाली रहेगी, इसमें और कोई नहीं बैठ सकते हैं, केवल बैठने का योग्य केवल आपको अंदर में, इसलिए उसका नाम क्या दिया प्रभुपाद का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सरस्वती मतलब बाग देवी, भक्ति में सिद्धांत में जो दूसरे जो सरस्वती कौन है बोले इसलिए प्रभुपाद जी। इसलिए साधारण रूप में ये क्या दिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लेकिन जो वास्तव रूप में प्रभुपाद कौन है, हैं प्रभुपाद कौन है, इसके लिए इनकी वंदना में बताए नाम एवं विष्णुपादा य कृष्ण प्रेष्टा य भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिनी। साधारण रूप देखते हैं लेकिन वास्तव रूप में उनका जो अंतरंग शिष्य बोले श्री भार सभा नबी देवी दैताय कृपा, कहते उनका जो अंतरंग उनको किस रूप में देखते हैं बोले श्री भार सभा नबी देवी दैत, मतलब राधा राय की अत्यंत अत्यंत ये प्रिय सखी है। बोले श्री रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत धंत हरिने, इन्होंने श्री रूपानुग विरुद्ध जितने रूपानु का जो विरुद्ध मतवाद को उन्होंने ऐसे तसनस उन्होंने कर दिए, ऐसे उन्होंने विचार को बोलते थे प्रभुपाद, सारी अपसंप्रदाय उसी समय जो आए थे सारी अपसंप्रदाय उल्टा पुल्टा प्रचार करने वालों को ऐसे ध्वंस विध्वंस्त कर देते थे, ऐसे करते थे सारा दुनिया उनके प्रचार से कांप उठे। एक समय प्रभुपाद के पास में कुछ बहुत अच्छे उच्च शिक्षित लोग आए, बोले प्रभुपाद अगर आप दो चीज को अगर छूट दे दोगे ना ये दुनिया में जितने सारे संप्रदाय सब खत्म हो जाएगा, वो सारे संप्रदाय आपको एक ही संप्रदाय में आ जाएगा, महाप्रभु की धारा में आ जाएगा। बोले किस किस चीज की, बोले एक बीड़ी है, एक बीड़ी को छूट दे दो और एक चाय को छूट दे दो, एक बीड़ी को
और एक चाय को। कहता अगर ये दो चीज को अगर आपने छूट दे दिया ना, ये दुनिया का जितने संप्रदाय का लोग तुम्हारी संप्रदाय में आकर मिल जाएंगे, केवल एक ही संप्रदाय रह जाएगा, ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय। इसलिए प्रभुपाद का लाइन ही रह जाएगा, बोले श्रील प्रभुपाद की, बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बताया, बोले देखो मेरे को हजार तारों का जरूरत नहीं, एक चंद्रमा की जरूरत है। आकाश में कितने सारे तारा हैं, कितने सारे तारा हैं, लेकिन वो तारा से कुछ नहीं होता है। लेकिन एक चंद्रमा जब उदय होता है ना, सारा दुनिया को, एक चंद्रमा सारा दुनिया को आलोकित कर देता है, हैं? इसलिए हमें एक चंद्रमा की जरूरत है, बहुत सारे ताराओं की जरूरत नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने जो भागवत में जो बताया ना, दुतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा, इसलिए ये चार चीज को अधर्म बताया है। ये कली का स्थान, परीक्षित महाराज ये चार चीज को कलियों का स्थान दिया है। पहला नंबर किया बोले दुतम, दुतम मतलब तो जुआ, जुआ नहीं खेलनी चाहिए, धर्म का प्रथम चरण सत्य नष्ट हो जाता है। तो पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा यहाँ तक भी चाय। जब हम प्रचार करते हैं ना, जब प्रचार करते हैं ये कहते हैं चीज को छोड़ो, बते ठीक है मांस मछली नहीं खाए, भैया ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खाए, इसमें क्या दोष। और जब चाय की बात सुनते हैं ना, वहीं पर फेंटे हो जाते हैं। हाँ, जब वो चाय की बात सुनते हैं, बोले भैया चाय तक भी नहीं पिया, पीना पड़ेगा है, चाय तक भी नहीं पियेंगे, बस वहीं पर बेहोश हो जाते। हाँ भैया हमारा जरूरत नहीं। हाँ लेकिन प्रभुपाद ने कह दिया चाय तक भी प्रभुपाद ने उनको अलाउ नहीं किया, क्योंकि उसमें काफी निकोटिन इसमें डाले हुए। मतलब है हमारे महाप्रभु धारा में और भी है, जैसे बाबा जी लोग है, लेकिन बाबा जी लोग है वो क्या करते हैं, गुटखा भी खाते हैं, हैं, और सिगरेट भी फूंकते हैं, और चाय तो पीते ही है, चाय तो पीते ही है, लेकिन केवल प्रभुपाद का लाइन में है, केवल प्रभुपाद की लाइन में ही केवल ये शुद्ध रूप में महाप्रभु का जो शुद्ध वाणी को केवल महाप्रभु का लाइन में ही, प्रभुपाद का लाइन सरस्वती गोस्वामी का लाइन में ही ये चीज को उन्होंने कठोर रूप में, ये चीज को उन्होंने प्रतिबंध लगाया, कठोर रूप में प्रतिबंध लगाया। इतने शुद्ध भक्ति प्रभुपाद ने, इतने शुद्ध भक्ति धारा को उन्होंने प्रचार किया है, हा? इतने अच्छी भक्ति को दिया है। इसलिए प्रभुपाद ने सारा दुनिया में उन्होंने जैसे भक्ति का अंग 64 भक्ति का अंग उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, है? इसलिए जिस समय प्रभुपाद आए, प्रभुपाद के अंदर में योग्यता को देख करके, इनकी विद्वता को देख करके, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जब देखा प्रभुपाद इतने लिखे पड़े, कितने भाषा जानते हैं, इतने लिखे पड़े। प्रभुपाद जब अंग्रेजी में जब लेक्चर देते थे ना, अंग्रेज में जब लेक्चर देते थे, जो अंग्रेजी लोग भी उनकी अंग्रेजी लेक्चर समझना कठिन होता था, मतलब इतने हाई फाई अंग्रेजी बोलते थे प्रभुपाद, इतने हाई फाई प्रभुपाद बोलते थे। इनकी विद्वता को देख करके इन लोगों ने सोचे एक दिन ये महाप्रभु का है, महाप्रभु का शुद्ध वाणी को एक दिन ये संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का शुद्ध वाणी को ये प्रचार करेगा। इसलिए हमारे जितने गुरुवर्ग थे ना, प्रभुपाद को बोले, बोले प्रभुपाद एक दिन तुम महाप्रभु का वाणी, शुद्ध वाणी को जगत में प्रचार प्रसार करना, चैतन्य पंजिका निकालना, ग्रंथों को प्रचार प्रसार करना, हाँ इनको ऊपर में सब दायित्व तो प्रभुपाद को ऊपर दे कर गए। लेकिन सब जब गुरुवर्ग चले गए, अंतर ध्यान हो गए, प्रभुपाद बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के प्रभुपाद दिन में 3-3 लाख 70 करोड़ नाम यज्ञ करते थे प्रभुपाद, 3-3 लाख हरिनाम। अगर दिन में अगर हम 16 माला करते हैं ना,
दिन भर करते करते 16 माला करते, दिन भर माला हाथ में रहता है, लेकिन देखते हैं लास्ट में क्या 16 माला पूरी हुई, 16 माला भी हमारा पूरी नहीं होता है सारा दिन माला करते करते। और एक व्यक्ति कितना कितने माला कर रहे हैं, 4 बार 16 माला, और 1 लाख, फिर 1 लाख 3 दिन में 3, फिर 3 लाख हरिनाम है, 3 लाख हरिनाम, ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए प्रभुपाद बैठ कर कठोर उन्होंने साधन किया है। बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, बोले श्री राधा राधा गांधर सीता राधा नयन मणि की जय। जय श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन चक्र की, सपरिकर गौर हरि की, हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे भक्ति का जैसे 64 अंग है, भक्ति का कितना अंग है कहते, भक्त का 64 अंग है, उसी तरह प्रभुपाद ने उन्होंने 64 उन्होंने गौड़ीय मठ स्थापन किया। प्रभुपाद ने सारा दुनिया में उन्होंने 64 मठ उन्होंने स्थापन किया। इसलिए श्रील महाप्रभु श्री सच्चिदानंद गौर हरि इनकी भविष्यवाणी था, क्या भविष्यवाणी था, बोले पृथ्वी ते आच्छजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना है। एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी में है, संपूर्ण गली गलियों में शहर शहर में मेरे नाम गूंज उठेगा, और सबके सब लोग प्रसन्न होकर के सुखी है या लोक मर गाय कृति, सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ग्रोच ग्रोच ग्रोच, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये महाप्रभु का कहती महाप्रभु का ये भविष्यवाणी था। यद्यपि जिसकी अंदर में जितने सक्षम थी उन लोगों ने उतना प्रचार किया, उसमें श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हुए, जब ये प्रभुपाद की महिमा को गाते थे इतने बड़ी बात उन्होंने बताई, उन्होंने ये बताया करते थे जगत में अभी तक जितने आचार्य आए, जगत में अभी तक जितने आचार्य आए उन लोगों ने जगत को जो चीज दिए हैं, जगत को जो चीज दे कर गए, कहते एक तराज लो, एक तराज का एक तरफ में उनका सारे जो अवदान उनने जो दे कर गए, तराजू का एक तरफ में रख लो, जो प्रभुपाद जो चीज दिए हैं अगर तराजू के दूसरे तरफ में उसको रखोगे तो प्रभुपाद का जो तराजू का जो साइड है देखोगे भारी पड़ेगा, मतलब वो इतनी के प्रभुपाद के लिए इतने बड़ी बात वो कहते थे, प्रभुपाद का जो पल्ला वो भारी दिखेगा इतने, ये कोई साधारण बात नहीं है, हाँ ये साधारण बात नहीं। और सचमुच से देखो तो पहले पहले जो आचार्य लोग आए प्रचार किया है हमारे सनातन धर्म को प्रचार किया, कहाँ कहाँ प्रचार किया देखो, कहीं एक देश में किसी एक कोड़े में कहीं जा करके कुछ लोगों को भक्त बना दिया है ना, लेकिन जो प्रभुपाद का विचार प्रभुपाद का आचार प्रभुपाद को भक्ति को जब देखो संपूर्ण विश्व में है, अभी तक अंग्रेजी लोगों को कोई तिलक लगा को है गले में कंठी और छोटी पकड़ा पाए कर पाए, देखो छोटी कंठी तिलक है कहां से आकर के छोटी कंठी माला और तिलक, हमारे भारत के व्यक्ति को ना कि तिलक लगा ना उनको तो शर्म लगता है, बोले तिलक लगा के दुनिया में क्या कहेंगे, नाक कान कट जाएगी हमारी, लगते ही नहीं, अगर कोई देखेगा तो भारी ऐसे व्यक्ति तिलक लगाता है, हैं ये तिलक कंठी देखो, तिलक कंठी लगाने पर हमारे भारतीय लोग ही पीछे हट जाते हैं, हैं अगर किसी को बोले चोटी रख लो, बोले चोटी रख लेंगे मर जाएंगे चोटी नहीं रखेंगे लेकिन इन लोगों को देखो,
चोटी कैसे देखो कितने बड़े बड़े चोटी रखे, कंठी माला तिलक। हमारे भारत में हिंदुओं को पूछो कोई गीता का श्लोक, रामायण का श्लोक, कोई भागवत का श्लोक, एक याद नहीं। और जितने हीरो हीरोइन और जितने प्लेयर का नाम सारे याद है, सारे गंदी गंदी चीजें याद होगा। लेकिन इन लोगों को देखो है? टीवी नहीं देखते हैं, चाय तक भी नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते। ये जो बैठे सो है, जो गोरी गोरी सो बैठे हुए, ये कहते हैं ये सब चीज को उन्होंने त्याग दिए है। और त्याग दे करके कितने शुद्ध रूप में, कितने शुद्ध रूप में महाप्रभु का जो धारा को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, महाप्रभु धारा को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। ये इतने आसानी बात नहीं, ये काम कराया तो किसने कराया? कल इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ये काम कराया। बोले इसलिए प्रभुपाद की कहते हैं वृक्ष की महिमा कब पता चलता है? बोले फल से, फल से वृक्ष की महिमा पता चलता है। अगर जिस पेड़ में बढ़िया फल आम होता है, चीकू लीची होता है ना, तो भैया ये पेड़ को रखो पानी दो। बोले क्यों? बोले बड़े होकर तो बड़े सुंदर फल देगा, है ना। तो वृक्ष का महिमा कब है? बोले फल से। उसी तरह केवल प्रभुपाद ही प्रचार किए ऐसे नहीं, उनका जो शिष्य लोग है ना, हम कहते हैं ना ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, कहते महाप्रभु प्रभुपाद का जो गण में कहते जो एक एक भक्त हुए ना, सारा दुनिया में उन्होंने उथल पुथल मचा दिया, सारा दुनिया में उथल पुथल उन लोगों ने मचा दिए। इसलिए उसमें जो भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज जो हुए हैं, भक्ति वेदांत जिसने जा करके विदेश में गए, विदेश में जा करके इन लोगों को शराब छुड़ा करके, नस्ली वस्तु छुड़ा करके, सारे गंदी चीजों को छुड़ा करके, इनको चोटी माला कंठी तिलक माला दे करके इनको जो भक्ति में लगाया, किसने? बोले प्रभुपाद का शिष्य हुए, प्रभुपाद के शिष्य हुए। और जो एक एक तक भक्ति देता माधव गोस्वामी महाराज को देखो, उनका शिष्य को देखो, और भक्ति बल्लभ तीर्थ महाराज को देखो, हमारे महाराज आपका जो भक्ति प्रसाद श्री विष्णु महाराज को देखो, सारा दुनिया में कैसे जा करके महाप्रभु को धारा को कैसे प्रचार कर रहे, ये लोग कैसे जगत में प्रचार कर रहे। एक व्यक्ति को सुधारना कठिन है। देखना बेटा अपना पिताजी की बात नहीं सुनता है, बेटा अपना पिताजी की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन ये सब व्यक्तियों को गला में कंठी माला तिलक दे करके उनको सारे गंदी चीज को छुड़ा करके और भगवान की भजन में इनको लगा देना, ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए ये किसकी कृपा है? संपूर्ण विश्व में अभी जो, इसलिए एक भक्त कह रहे थे, प्रभुपाद का भक्त, बोले अगर इसी जगत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अगर इसी जगत में नहीं आते है ना, ये विश्व भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं रहता, पृथ्वी ध्वंस हो जाता। कहते पृथ्वी नहीं रहता, ये ध्वंस हो जाता। बोले क्यों? बोले भगवान ये जगह तो क्यों टिका करके अभी तक रखे? इसलिए रखे चूंकि कुछ भक्त लोग अभी भी भजन कर रहे हैं, अभी भी भक्ति कर रहे हैं। अगर ये भक्ति नहीं करेंगे ना, आप लोगों का वजह से पृथ्वी टिका हुआ है। कारण क्यों? अब पता होगा हर देश देश में एटम बम बना कर रखे, हर समय युद्ध का माहौल, ये देश उसको धमकी वो दूसरे उसको धमकी, क्यों? एटम बम एक दिन सब गिरेगा, ऐसे बना कर रखे तो युद्ध होगा। लेकिन तब तक युद्ध नहीं होगा जब तक आप जैसे भक्त लोग रहोगे, क्योंकि भगवान देखेंगे अगर एटम बम पड़ेगा मेरे भक्त लोग तो मरा जाएंगे, लेकिन मैंने गीता में प्रतिज्ञा किया मेरे भक्तों का विनाश नहीं। कौन तेह प्रतिज्ञानी न मैं भक्ता परनसति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं है, फिर आप लोग मर जाएंगे। भगवान बोले मेरे प्रतिज्ञा तो खत्म हो गई। जब ये दुनिया में कोई भक्ति भक्ति नहीं करके आप नास्तिक हो जाएगा ना, बांस जो बम बना कर रखे फिर तो गिरेगा, उसको कोई रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आप जैसे संत लोग रहते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए आप जब तक भजन करते रहोगे ना, भगवान के नाम उच्चारण करने पर जगत में जो पाप कर्म हो रहा है, भगवान के नाम जप करने पर ये वायु एकदम शुद्ध पवित्र बन जाती है। वायु मंडल पवित्र केवल हरि कीर्तन से होता है, और किसी चीज को द्वारा वायुमंडल को हम पवित्र कर नहीं सकते। इसलिए जगत को इन्होंने बचा करके रखे। इसलिए प्रभुपाद ने
आकर के महाप्रभु का वाणी को उन्होंने सर्वत्र उन्होंने प्रचार और उन्होंने प्रसार किया। प्रभुपाद कहते थे बोले कोई खाने पीने का कोई चिंता मत करो, खाने पीने का कोई चिंता मत करो, खूब भगवान की भजन करो, खाने पीने का जरूरत होगा ना। प्रभुपाद कहते थे मैं गोलोक वृंदावन से सोने की ईंट मंगा लूंगा। प्रभुपाद कहते थे मैं गोलोक वृंदावन से, वृंदावन धाम क्या है, कहते चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्या भृत सुरभि रभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजामि। इसलिए जो गोलोक वृंदावन वहां का जो भूमि चिंतामणि है, बस वहां से एक चिंतामणि मंगा दो ना, सब चिंता दूर हो जाएगी, खाने पीने का सब दूर हो जाएगी। देखो हमारे जितने गौड़िया मठ देखो इसको तो करते हैं क्या बताओ। एक व्यक्ति संसार में देखना, पिता भी काम करता है, पत्नी भी काम करता है, बेटा भी काम करता है, बहू भी काम करती है, सारा दुनिया काम करते रहते हैं, तभी खाना नहीं जुटा पाते हैं। गौड़ी मठ में देखो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे प्रभाव देखो कैसे मंदिर कैसे गेस्ट हाउस सारा दुनिया कैसे कैसे करोड़ों। एक व्यक्ति बड़े बड़े बिजनेस करते हुए भी साधारण जिंदगी में एक घर को बनाने की बात है। गौड़ी मठ में देखो इस घर में देखो कितने बड़े बड़े सब बनाते हैं। कहां से भगवान के नाम की प्रभाव से, नाम की प्रभाव से है, नाम की प्रभाव से। इसलिए प्रभुपाद ने जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने काम किया, इतने काम किया, इतने शिष्य प्रशिष्य बना करके सारा दुनिया को उन्होंने घर घर में अपना भक्तों को भेज करके सारे घर घर में हरि कीर्तन को उन्होंने प्रचार और उन्होंने जगत में प्रसार उन्होंने किया प्रभुपाद ने। इसलिए प्रभुपाद नहीं आते तो हम जो थोड़ी बहुत कोशिश करते ना, भजन तो हो ही नहीं रहा, थोड़ी बहुत माला तिलक लगाए गले में कंठी, ये जो इतने जो कोशिश केवल कर रहे हैं ना, ये किसकी कृपा है, केवल प्रभुपाद की कृपा है, यही महापुरुष का कृपा है। ये नहीं होते तो हम कभी यहाँ पर एकत्रित होकर, कभी मेरा जो घर है ना, मैं सोच भी नहीं सकता मेरे किसी गाँव के किसी कोने में मेरा घर है, लेकिन एक दिन यहाँ आकर के भक्तों का समाज में वृंदावन में आकर के बैठ करके हरि कीर्तन करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। केवल यही महापुरुष का कृपा हुई है जिनने सर्वत्र अपना भक्तों को भेज भेज करके हरि कीर्तन करवा करके जगत का कल्याण किया। इसलिए हमारा भविष्यवाणी एक दिन ऐसा आएगा जितने सारे संप्रदाय है ना, सारे संप्रदाय लुप्त हो जाएंगे, कोई संप्रदाय नहीं रहेगा, केवल एक ही संप्रदाय रह जाएगी, गौड़ीय संप्रदाय रह जाएगी। आप देखो दूसरे दूसरे जो रामानुज मध्व विष्णु जो संप्रदाय है, अब देखना धीरे 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 खत्म होती जा रही है, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार नहीं है। लेकिन महाप्रभु ने बताया हाँ, प्रति घरे घरे गया मागई भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिख्या, प्रति घर घर में जा करके झोली फैला करके उनसे किस चीज की भिक्षा मांगो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने ये चीज को बताया, इसलिए उनकी जो धारा में जो भक्त लोग आए ना, उनकी धारा में जैसे आप लोग जो भक्त लोग है, भजन भी करते हो, दूसरों को भी प्रेरणा देते हो, और किसी संप्रदाय में नहीं, ये सब खत्म हो गया धीरे धीरे। और सचमुच एक दिन ऐसे होगा केवल एक ही प्रभुपाद की लाइन ही रह जाएगी। अब सारा दुनिया में जाकर कहीं देखो, वृंदावन में कहीं देखना, जिधर देखोगे ना यही तिलक, एक ही तिलक धारती है,
हाँ थोड़ी बहुत इधर, लेकिन ज्यादा ज्यादा सब गौड़ीय संप्रदाय। पुरी में देखो, नवद्वीप में गए थे, नवद्वीप परिक्रमा में लाख लाख लोग ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। बोले सच सचिनंदन गौर हरि की। आप देखना कितने लोग, हाँ जब एक पार्टी में हजार हजार लोग, हमारा पार्टी में तो 15,000 लोग थे, हमारे जो इसमें थे 15,000 लोग इसमें थे। जब दो पार्टी टकरा जाता था ना, वो रास्ता नहीं मिलता था किधर जाए, इतने भी हो जाता था। इसलिए ये केवल ये प्रभुपाद का आशीर्वाद है, केवल यही महापुरुष का ये आशीर्वाद है, जो हम लोग थोड़ी बहुत भजन करने के लिए थोड़ी कोशिश करते। इसलिए आप लोग भी जितने दूर हो सके अपना भी भजन करो, कोशिश करो दूसरों को भी भक्ति में लगाने के लिए, दूसरों को भी भजन में लगाने के लिए। यहाँ पर भी हमारे कुछ कुछ भक्त लोग है जो लोग भी विदेश में भी प्रचार करते हैं, विदेश में भी प्रचार करते हैं। यहाँ पर हमारे एक दीदी है, जसोधरा दीदी है, ये भी जा करके चाइना में, उनको खान पान आपको पता होगा कैसे ये प्रचार करती है। और एक दीदी हटिजहर ने इंदुलेखा दीदी कहती है चाइना में, ये एक दीदी है वो चाइना में ये प्रचार करती है कि कुछ भक्त लोग को ये लेकर के आई हैं। और हमारे श्री नारायण दीदी प्रचार करती है उधर, और श्री मदन मोहन दीदी, मदन मोहिनी दीदी वो भी उधर जा करके प्रचार करती है। यहाँ पर कुछ और श्री हटियर ने वेणुगोपाल प्रभु हैं कहती ये लोग, और सबके सब उस देश में जा करके ये सबके सब हरि कीर्तन प्रचार करते हैं, तभी ये लोग लेकर के। देखो आश्चर्य है हमारे भारत में ना, प्रभु जी इतना भी नहीं करते, उनको देश में भक्ति करना हमारा भारतीय संस्कृत हम पता इसलिए आसानी से, लेकिन इनके देश में प्रचार करके ये भक्त लोगों को लेकर के आना बड़ा कठिन है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, कि जगत में जितने जीव है सब मेरे संतान है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे को भूल करके संसार में दुख कष्ट उठाता है। अगर कोई मेरे जीव को हरि कथा समझा करके उनका, अगर मेरे पास में अगर कोई मेरे एक जीव को ले आता है, मैं सबसे ज़्यादा उसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ। सबसे ज़्यादा कृष्ण कहते सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। प्रभुपाद कहते हैं, देखो प्रभुपाद कितने बड़ी बात कहते हैं, जितने हमारे विदेशी भक्त है, बोले सुन लो आप लोग, सुनो आप बोले विदेशी भक्तों को बोलो, देखो प्रभुपाद कहते हैं ये माया में जो फंसे हुए जीव है, अगर किसी तरह से उनको भगवान की भक्ति की पार में समझा करके एक व्यक्ति को अगर कोई भक्ति में ले आते हैं, एक व्यक्ति को कोई कंठी माला तिलक लगा ले भजन में लगा दे, प्रभुपाद कहते हैं अगर एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ों अन्न छत्र खोल दे, करोड़ों करोड़ हैं कहते अन्न छत्र करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी अगर एक व्यक्ति को अगर कोई प्रभु की भक्ति में लगा दे, केवल एक व्यक्ति को, जो करोड़ करोड़ हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज खोलने पर जो चीज नहीं मिलेगी उससे करोड़ गुण ज्यादा में उसको पुण्य मिलेगा अगर एक व्यक्ति को कोई भगवान के भजन में लगा दे। इसलिए प्रभुपाद इतने बड़ी बात प्रभुपाद कहते हैं, इतने बड़ी बात प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए हमारे जो विदेश भक्त लोग जो ये लोग अपना देश में ना सब प्रचार करते हैं, इस कृष्ण गामिनी दीदी 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 सब ये सब लड़कियां भी हमारे इसमें लड़कियां दीदी है ना सब विदेश में प्रचार करते हैं। इसलिए कहते मेरे गुरु जी कहते थे ठाकुर जी के चरण में जैसे एक फूल चढ़ाओ ठाकुर जी के चरण में, दो घंटा एक घंटा बाद में फिर मुरझा जाती है, वो मुरझा जाती है। लेकिन जब एक जीव को अगर कोई प्रभु का भक्ति में ले लगा दे वो फूल नहीं मुरझाते हैं, वो दिन प्रतिदिन खिलता रहता है, उसका खुशबू फैलती रहती है, वो फूल खिलती रहती है, क्योंकि जितना वो प्रभु की भक्ति में एडवांस होता है उतना ही वो खिलता रहता है उतना। इसलिए आप लोग जितने बैठे हैं, जितने यहाँ बैठे हो, कोशिश करना खुद भी भक्ति करें और दूसरों को भी भजन में लगाए जितना आप बैठे हो। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहा करते थे, जो लोग परिक्रमा में आते थे ना सबको बोलते थे जब दूसरा बार आओगे ना कम से कम एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति को लेकर के आना, उनका ये बोलते था निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि, बोले एक 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 व्यक्ति कम से कम 10-10 व्यक्तियों को भजन में लगा करके ले आना, फिर प्रचार करना पड़ेगा, हरी कथा तुमको बोलना पड़ेगा, है ना,
हरि कथा बोल। फिर दिन हमारा विषय में समय नहीं बीत करके हरि कथा में हमारा समय बीतेगा, भगवान की कथा में। कोई कोई कहते हैं ना, अरे हम तो भजन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को क्या लगाएंगे। अरे जितने कर रहे हो तो उतना करो, ये मत समझो पूरा परफेक्ट होकर के हम प्रचार करेंगे, नहीं, कभी ऐसे हो ही नहीं सकता है। जब भगवान की कथा हम किसको सुनाएंगे, यही भजन, भजन और कुछ नहीं है। देखो ये जो भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति दैत माधव गोस्वामी, देखो इनकी जीवनी सुनो, किसने ये बहुत प्रचार, हमारे भक्ति दैत माधव बहुत उन्होंने प्रचार किया, दिन भर हरि कथा बोलते थे। एक दिन इनका कोई एक गुरु भाई था, इनको ये बताया, बोले भजन भजन करते नहीं दिन भर, क्या है दिन भर मठ मंदिर, दिन भर कथा, अब भजन भजन तो करो। देखो क्या कहते हैं, वो इतने बिगड़ गए, बोले मैं जो लोगों की इतने प्रभु की कथा सुना करके, जब मैं महाप्रभु को सेवा में जो इतना व्यक्ति को ला रहा हूँ, ये क्या भजन नहीं, क्या ये माला लेकर के एक जगह में बैठ करके हरिनाम करने से ही भजन है, क्या यही भजन है। मैंने जो इतने जीवों को कितने परिश्रम करके हैं, हमने उनको महाप्रभु को सेवा में लाए, और जो इतना कथा सुन, ये क्या भजन नहीं। वो कहते थे, बोले भजन मतलब क्या है, बोले भजन मतलब है, बोले जैन तेन प्रकार कृष्ण मन निवेश है, किसी तरह से ये मन को प्रभु की चिंता में लगाना ही भजन है, दिन भर माला लेकर बैठना ही भजन नहीं है। इसलिए भक्ति रखे सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज कहते थे, ये तो एक तरह का ठग, क्या कर रहे हो, बोले माला जब कर रहे हैं, अभी हम कोई सेवा नहीं कर सकते। कहते ये तो बहानाबाजी, ठगने का बहानाबाजी बन गया है, ये ठगने की बहानाबाजी बन गया, हम बैठ करके माला जब, अभी हम कोई सेवा नहीं कर सकते। इसलिए गुरु जी कथा सुनाया करते थे, एक समय गुरु जी बोले, देख बेटा जब तक 100,000 कोई हरिनाम नहीं करते ना, ठाकुर जी उसका हाथ का खाना नहीं खाता। चेला बोला तो दिन भर 100,000 माला करना, वो माला लेकर बैठ गया। गुरु जी बोले, देख बेटा थोड़ी सी तो भिक्षा करके लाना पड़ेगा, देख खाना कैसे खाओगे। बोले गुरु जी आप बताया, 100,000 करने के लिए 100,000 तो पूरी नहीं हुई। गुरु जी गए स्वयं भिक्षा करने के लिए, तो गुरु जी भिक्षा करके ले आए, बोले बेटा कम से कम खाना तो बना दो। बोले गुरु जी अभी 100,000 पूरी नहीं हुआ है। तो गुरु जी स्वयं खाना बनाए, बोले बेटा अभी ठाकुर को भोग लगा दो। बोले गुरु जी अभी तो माला पूरी नहीं हुई, अभी गुरुदेव ने भोग लगाया। बोले बेटा जाओ थोड़ा आसन तो लगा दो, भोजन करोगे। बोले गुरुदेव अभी थोड़ी सी बाकी है माला पूरी करना। गुरु जी स्वयं आसन लगा दिए। बोले गुरु जी बोले बेटा अभी तो थोड़ा प्रसाद सेवा करो। बोले गुरुदेव कितना आपका वाक्यों को उल्लंघन करेंगे, पालन नहीं करेंगे, अभी लास्ट का जो आदेश, कम से कम इतना आदेश तो पालन कर लो, बस बैठे हो प्रसाद मा लिया फिर माला लेकर बैठ गए। इसलिए आप लोग भी भगवान की भक्ति जितना करते हैं, उतना भगवान की कथा, उतना ही भगवान की कथा बोलते 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 भगवान की भक्ति करते प्रचार करते करते ही एक दिन हृदय हमारी साफ होएगा, ठीक है। इसलिए अभी हम लोग जिस स्थान पर हम लोग आए हैं, ये श्रील प्रभुपाद का ये जन्म स्थान है, यहीं सही समझो, ये भक्ति वृक्ष यहीं सही बैठते 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 संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में गया, और इसकी खुशबू से है, इसकी खुशबू से हम जितने सब भौरा है ना, सब इनकी खुशबू से हम लोग आकृष्ट होकर के आए, और वो महाप्रभु का प्रेम रस को हम आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद का ये जन्म स्थान है, इनकी कथा तो बहुत, इनकी अथा, इतने इतने बड़े बड़े आश्चर्य आश्चर्य इनकी घटना इनकी है। इन्होंने एक चीज विशेष काम किया, क्या जानते हो, कहते दैव वर्णाश्रम। अब समझते हो दैव वर्णाश्रम क्या है, हाँ ये चीज को समझ लो, इन्होंने जो विशेष एक काम प्रभुपाद ने किया है। बोले दैव वर्णाश्रम मतलब होता है, जिसको भागवत में कहता है, जस्य जत लखनम प्रोक्तम पुंसांग वर्णाभिव्यंजकम जत अन्यत्रापि दृश्यते त्वनैव विनिर्दिश्यते, भागवत का श्लोक है। इसका मतलब होता है जिसके अंदर में जो गुण होता है वो गुण से ही वर्ण का निरूपण होता है। लेकिन ये महापुरुष आने से पहले आप देखना, ठाकुर का सेवा पूजा केवल ब्राह्मण ही करते थे, और कोई नहीं कर पाते थे, केवल ब्राह्मण ही गला में जनेऊ धारण करते थे कट्टी, और कोई नहीं, और दूसरे जाति के लोग कोई धारण नहीं कर पाते थे।
ब्राह्मण का बड़ा प्रताप था, हैं? ब्राह्मण का बड़ा प्रताप था, और किसी व्यक्ति को कला में कंठी तिलक माला जनेऊ किसी व्यक्ति की ठाकुर की सेवा पूजा कोई केवल ब्राह्मण जाति करता था, लेकिन कोई नहीं कर पाता था। लेकिन भागवत कहता है जिसको अंदर में जो